हक महर के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बीवियों को बड़ा रिलीफ दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक खातून जब भी तकाजा करे कि मुझे हक महर दिया जाए तो शोहर उस वक्त ही हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। फैसले की तफसील के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने हक महर के हवाले से 3 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल फैसले की तफसील बताएंगे। हक महर से मुतल्लिक अदालत ने कहा है कि हक महर खातून का शरई हक है। इस्लाम हक महर को मुकम्मल तहफ्फुज देता है, जबकि हक महर का तहफ्फुज मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। हमारे यहाँ अक्सर निकाहनामे पर हक महर की अदायगी का वक्त मुकर्रर नहीं होता, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं कि हक महर अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त अपने शोहर से हक महर का तकाजा कर सकती है। फैसले में मजीद ये भी लिखा गया है कि मौजूदा केस में बीवी को हक महर लेने के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। गैर जरूरी अपीलें दायर करने पर जुर्माना किया होता तो बात यहां तक ना पहुंचती। गैर जरूरी अपीलें दायर करने से अदालती निजाम मफलूज होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को हक महर में ताखीर पर खावंद पर 1,00,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया और खालिद परवेज की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद ये भी लिखा है कि बिला वजह की मुकदमाबाजी खत्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।